आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉक्स ऑफिशियल, हम हैं रामकैलाश यादव। आप ये जो पीछे भैंस देख रहे हैं, इस भैंस को जो है अभी चेकअप कराया गया था 4 महीने पे खा लेने के लिए। और तो इसे गेहूं का जो फार्मूला आता है, थोड़ा गेहूं दिखा दीजिए नजदीक से, देखिए जहाँ गेहूं अभी अंकुरित हो गया है, इसको आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि किस तरह से जो है अंकुरित इसे किया जाता है, गेहूं खिलाने के फायदे क्या हैं, इससे आपके पशु किस तरह से खुलकर हिट में आएगी, इसका जो है गेहूं का फार्मूला देने का सही तरीका क्या है, जिससे हम बहुत आसानी से अपने गाय और भैंस को खुलकर हिट में ला सकते हैं। और उसके बाद अगर एक बार हिट में आ गई तो उसे गर्भवती भी होना तय है। ऐसा नहीं है कि इसको देने के बावजूद भी आपके पशु रिपीट कर जाएगी, रिपीट बिल्कुल नहीं करेगी। इसको जैसे ही आप देंगे हीट में आएगी, हीट में आने के बाद उसे गर्भवती होना बिल्कुल तय है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कि ये गेहूं जो है किस तरह से इसको अंकुरित किया गया है और कैसे इसको देना है, इसके साथ में क्या क्या चीजें देनी है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताया जाएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए जो पीछे आप भैंस देख रहे हैं, थोड़ा भैंस को एक बार जूम करके दिखा दीजिए। तो जो भैंस आप देख पा रहे हैं पीछे साइड में, तो वो भैंस जो है 4 महीने की गर्भवती थी, और जब उसे 4 महीने बाद चेकअप कराया गया तो पता लगा ये खाली निकली। तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि हमारे पशु के अंदर कुछ मिनरल्स और विटामिन की कमियां होती हैं, जिसके कारण इस तरह से दिक्कत समस्या होता है कि हमारे जो पशु हैं वो हीट में तो आती हैं लेकिन गर्भ नहीं ठहरता। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर आप अपने पशु को खुलकर हिट में लाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है कि जैसे ही हमें खुलकर हिट में लाना है पशु को, तो सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान रखना, उसे डिवॉर्मिंग जरूर कराना है। डिवॉर्मिंग कराने का सही तरीका है सुबह खाली पेट, यानी जब आपकी पशु चारा वगैरह नहीं खाई है उस समय उसे डिवॉर्मिंग कराना है, यानी कीड़ी मारने की दवा देना है। तो कीड़ी मारने की जो दवा दिया जाता है हमेशा जो है सुबह खाली पेट देना, वो भी दवा देने के 1 घंटे 1.5 घंटे तक उसे चारा नहीं देना है, चाहे आपकी गाय हो, भैंस हो, कटड़ी हो, पणिया जिसे बोलते हैं, या भैंस हो, कोई भी जानवर हो, आपको यही तरीके से देना है। उसके बाद जब ये दवा आप पिला देंगे, कीड़ी की दवा दे देंगे, तो उसका जो है पेट साफ होगा, यानी गोबर पतला करने लगेगी। जब आप पशु गोबर पतला करने लगती है तो समझ लीजिए कि उसका पेट साफ हो रहा है। जब पेट साफ हो रहा है तभी आपको गेहूं का ये जो फार्मूला है देना है। इसे किस तरह से जो है हमें अंकुरित करना है, अंकुरित काफी किसान ऐसे भी बोलते हैं कि सर जी हम गेहूं तो अंकुरित करते हैं लेकिन हमारा जो गेहूं होता है वो खराब हो जाता है, सूख जाता है, कुछ लोग बोलते हैं सड़ जाता है, कुछ लोग का सवाल आता है कि कीड़े पड़ जाते हैं, बिल्कुल जो है खराब हो जाता है, जिससे कि किसान समझ नहीं पाते कि इसका अंकुरित करने का सही तरीका क्या है। थोड़ा कैमरामैन से कहना चाहूंगा और थोड़ा नजदीक से एक बार दिखा दीजिए। देखिए गेहूं अंकुरित हुआ है, इसे जो है दिया जा रहा है, देखिए बीच बीच में अंकुरण दिखाई दे रहा है, जो है इसके लिए जो है इसे अंकुरित कर लिया गया है। तो जो अंकुरण करने का सही तरीका अगर आपको पता नहीं है तो आपका गेहूं खराब हो जाएगा, आप उसे अंकुरण नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, जो भी हमें गेहूं कितना देना है, एक दिन में हमें अपने पशुओं को लगभग 250 ग्राम गेहूं देना है। एक दिन में 250 ग्राम गेहूं देने का तरीका यही है। और तो इसके लिए हमें लगभग अपने पशु को 4 से 5 दिन तक, 6 दिन तक दे सकते हैं, या सप्ताह तक भी लोग देते हैं, वो ऐसे तो 4 से 5 दिन तक दे देते हैं तो बहुत हो जाता है। अगर एक दिन में 250 ग्राम है तो लगभग आप लगभग 25 250 ग्राम का मतलब है 25, यानी 25 चौको 100, 4 दिन में 1 किलो होता है। लगभग आप इसको 2 किलो गेहूं भिगो दीजिए, 2 किलो, 2 किलो का आप जो है पूरा तैयार करिए। ये जो अंकुरित होता है, अगर अंकुरण इतना बड़ा बड़ा हो जाता है जितना आप देख रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा तो भी आपको पशु को फायदा करेगा। तो इसे जो है सबसे पहले हमें गेहूं जो अंकुरण करना है, अंकुरण करने के लिए सबसे पहले जो भी हमें गेहूं, लगभग काफी लोग तो 2 किलो 2.5 किलो वह भिगो दिया जाता है, 250 ग्राम के बजाय 300 ग्राम भी कर देते हैं।
तो उसके हिसाब से उसे भिगो देना। भिगोने का कितना है, एक पानी ले लेना है बाल्टी, इसको जो अंकुरित किया गया है तो उसे एक बाल्टी में पानी लेना है, पानी के अंदर गेहूं डाल देना है। डालने के बाद उसे रात भर, यानी शाम के समय उसको डाल देना है, रात भर पड़ा रहना है। फिर सुबह यानी 12 घंटे बाद उसमें से पानी निकाल लेना है। निकालने के बाद जो है आपको इस तरह से जो कपड़ा होता है, देखिए सूती कपड़ा होना जरूरी है, जिस तरह से आप कपड़ा देख रहे हैं ये सूती कपड़ा है। सूती कपड़ा क्या है, पानी जो है सोख रखता है, यानी इसमें नमी ज्यादा समय तक रहती है। तो इसी के अंदर जैसे कि गेहूं आपका 12 घंटे से ऊपर हो गया, तो गेहूं इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद जो है आपको ये कपड़ा बिल्कुल बंद बांध देना है, ऐसे करके बांध के पूरा लपेट देना है, यानी पूरा ढक जाना चाहिए। ढक जाने के बाद आप उसे जमीन पर रख सकते हैं या आप ऐसे बर्तन में रख सकते हैं। रखने के बाद एक कपड़े से फिर उसको ढक देना है चारों तरफ से, ताकि बाहर की हवा ना आए। इसमें ध्यान रखना पानी सिर्फ एक ही बार डालना है। कब डालना है, जिस समय इस गेहूं को आप इस कपड़े में रख रहे हैं उसी समय आप पानी जो भी डाले हैं वही डालना, दोबारा फिर पानी नहीं डालना है। अगर आप बार बार हमेशा पानी डालेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो गेहूं अंकुरण हो रहा है वो सड़ जाता है, कहीं कहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन ये सूती कपड़ा रहेगा तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, यही अच्छा रहेगा अंकुरण करने के लिए। अंकुरण जैसे आप देख रहे हैं ये अंकुरण हो गया है, देखिए इस तरह से अंकुरण हो गया है, तो आप इस तरह से अंकुरण होने के बाद खिला सकते हैं। देखिए जैसे ये रहा, देख लें जैसे अंकुरण है, तो अंकुरित हो जाने के बाद आप अपने अंदाज से इसको खिला सकते हैं। खिलाने का तरीका सही है, जैसे कि इसे आप वैसे पीस पीस कर भी दे सकते हैं, थोड़ा कूट करके भी दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे देख लीजिए आपकी पशु हजम कर जाती है, कुछ में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि पशु को जो होता है गोबर के रास्ते पे निकल जाता है। अगर ऐसा शिकायत होगी तो फायदा नहीं करेगा, तो इसे थोड़ा कूट करके दीजिए दलकचा करके, तो उससे क्या है कि उसे भरपूर मात्रा में जो उसके अंदर मिनरल्स विटामिन है पूरी तरह से उसे मिलेगा। और कीड़ी की दवा देने के बाद ये ध्यान रखना इसको देना है, और साथ ही साथ एक अच्छा वाला मिनरल मिक्सर पाउडर ले लेना है, जिसमें 24 मिनरल्स विटामिन पाए जाते हैं, वो आप लेकर के अपने पशु को दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा वो। और इसमें लगभग हाँ वही 24 से ज्यादा मिनरल्स वाला बढ़िया मिनरल मिक्सर पाउडर लेना है, उसको भी देना है इसको भी देना है, तो उस समय आपकी जो पशु है तब जो है अच्छे से खुलकर हिट में आएगी। ये फार्मूला देने के बाद लगभग समझ लीजिए कि आपका पशु 8 से 10 दिन के अंदर वो हिट में आ जाएगी। फिर उसे आप क्रॉस करा दीजिए, आपकी जो पशु है गर्भधारण भी कर लेंगे। तो यही जो है फार्मूला आपको देना है, ये लगभग दिन में एक बार देना है ये गेहूं का, और दूसरे दिन देना है, तीसरे दिन देना है, इसी प्रकार करते करते जितने भी आपके पास पड़ा रहेगा उसको दे देना है। हाँ अगर आपके जैसे होता है कुछ पशु को देखने को मिलता है कि जैसे गेहूं हमने दूसरे दिन दिया हीट में आ गई, तो उसको हीट नहीं कुछ करना है तो भी गेहूं देते रहना है, जब तक कि गेहूं पूरा नहीं हो जाता उसके बाद ही जब हिट में आए तभी आपको क्रॉस कराना है, उसके बीच में हिट में आता है तो क्रॉस नहीं कराना है। जब ये गेहूं पूरा हो जाता है फिर हिट पे आएगी, बिल्कुल खुलकर हिट पे आएगी, उस समय क्रॉस कराएंगे तो गर्भवती आयु पशु हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करेगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।